नमस्कार, recipesarena.in में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पनीर कई तरीके से बनाया जा सकता है, पर आज हम कढ़ाई पनीर बनाएंगे। कढ़ाई पनीर के लिए बहुत ही रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, सभी हमें कमेंट कर रहे हैं कढ़ाई पनीर बनाने के लिए। तो आइए हम कढ़ाई पनीर बनाते हैं। कढ़ाई पनीर के लिए जिन सब सामग्रियों की जरूरत है हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमने जो सामग्री ली है वो 2 शिमला मिर्च ली है, इसके अंदर के बीज हमने निकाल लिए हैं और फिर इसको काट लिया है। 3 टमाटर लिए हैं, 200 ग्राम पनीर लिया है, 2 प्याज जिसे हमने लंबा लंबा काट लिया है, 1 चम्मच जीरा, 2 हरी प्याज, नमक स्वादानुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और तेल सब्जी बनाने के लिए। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम फ्राइंग पैन में तेल डाल देंगे। आप इसकी जगह घी या बटर किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर तेल को हम गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम सबसे पहले जीरा डाल देंगे। जीरा के भून जाने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब तक ये प्याज हमारी भून रही है तब तक हम बाकी के मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, हमने जितना भी लिया है हम उसकी आधी क्वांटिटी में नमक डाल देंगे। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज पक चुकी है, अब हम इसमें टमाटर मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को पूरी तरीके से पक जाने देंगे। टमाटर भी पक गए हैं, अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल लेंगे। और फ्राइंग पैन को वापस रखकर उसमें तेल डाल देंगे। जब तक इस तेल को गर्म होने देंगे तब तक हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तेल गरम हो चुका है और पेस्ट भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें हरी प्याज मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा येलो फ्राई हो जाने देंगे। प्याज फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट बनाते समय हमने इसमें अमचूर पाउडर डाल लिया था। पूरा पेस्ट डालने के बाद हम इसमें पानी मिक्स कर लेंगे। और इसे बॉईल होने देंगे। मसाला पककर तैयार हो गया है, अब हम इसमें पनीर मिक्स कर लेंगे और फिर इसे मिक्स कर लेंगे और जितना भी सॉल्ट बचा था बाकी का नमक डाल देंगे। इसे हम मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई पनीर बनकर तैयार हो चुका है, इसमें हम हरा धनिया मिक्स कर देंगे। हरे धनिया को मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया हम मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और सर्विंग बाउल में हम इसे सर्व कर लेंगे।
गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और इसे रोटियों या पूड़ियों के साथ हम सर्व कर लेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो आप सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए लाइक और शेयर बटन की सहायता से आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए आप इन लिंक्स पर क्लिक करें।